बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था। उनका नाम गजेंद्र था। गजेंद्र अपनी विशालकाय काया और दयालु हृदय के लिए प्रसिद्ध था। पूरे जंगल के जानवर उनका सम्मान करते थे, उसकी परामर्श लेना पसंद करते थे। गजेंद्र बहुत बुद्धिमान था और उसे जंगल की हर बात की जानकारी थी। एक दिन जंगल में भीषण गर्मी बढ़ गई और पानी का स्रोत धीरे धीरे सूखने लगा। जंगल के जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। गजेंद्र ने सोचा कि अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो सबकी हालात खराब हो जाएगी। उसने सभी जानवरों को एक जगह बुलाया और कहा, हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। मैंने एक पुराने जल स्रोत के बारे में जानता हूँ जो शायद अभी भी पानी से लबालब भरा हो। सभी जानवर गजेंद्र के साथ उस जल स्रोत की तलाश में निकल पड़े। यात्रा कठिन था और भारी लंबा था, लेकिन गजेंद्र ने सभी को उत्साहित रखा। आखिरकार उन्हें वह पुराना जल स्रोत मिल गया जो पानी से भरा था। सभी जानवर बहुत खुश हुए, गजेंद्र की बुद्धिमानी और मार्गदर्शन की तारीफ की। गजेंद्र का जीवन इसी तरह चलता रहा। उसने कई बार जंगल के जानवरों की मदद की, उन्हें संकट से बाहर निकाला। एक बार जंगल में एक शिकारी आया जिसने जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछाया। गजेंद्र ने शिकारी की चालाकी को भांप लिया, सभी जानवरों को चेतावनी दी, शिकारी के जाल को अपनी विशालकाय शरीर से तोड़ दिया और शिकारी को जंगल से बाहर भगा दिया। गजेंद्र की यह बहादुरी और दयालुता जंगल के सभी जानवरों के दिल में गहराई से बस गई। उन्होंने गजेंद्र को अपना राजा मान लिया, उसकी सलाह पर चलते रहे। लेकिन गजेंद्र का जीवन सिर्फ बहादुरी और नेतृत्व तक सीमित नहीं था, उसका दिल बहुत कोमल था और उसे संगीत का बहुत शौक था। वो अक्सर रात के समय जंगल के किनारे बैठकर नदी की कल कल ध्वनि, पक्षियों की मधुर गीत सुनता। उसकी यह आदत सभी जानवरों को बहुत पसंद आती थी, वे भी उसके साथ बैठकर संगीत का आनंद लेते थे। एक दिन जंगल में एक भयानक आग लग गई। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गजेंद्र ने अपनी सूंड में पानी भरकर आग को बुझाने की कोशिश की। उसकी बहादुरी और तत्परता ने कई जानवरों की जान बचाई, लेकिन आग बहुत भयानक थी और गजेंद्र को बहुत संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई, आग बुझ गई। इस घटना के बाद सभी जानवरों ने गजेंद्र को और भी अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। वे उसे अपने संरक्षक और मार्गदर्शक मानते थे। गजेंद्र ने भी हमेशा उनकी सुरक्षा और भलाई का ख्याल रखा। गजेंद्र की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई और उसके पराक्रम की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। उसने सभी को यह सिखाया कि बुद्धिमानी, दयालुता और बहादुरी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। गजेंद्र का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति शारीरिक बल में नहीं बल्कि दिल की कोमलता और दिमाग की बुद्धिमानी में होती है। इस प्रकार गजेंद्र ने जंगल के जानवरों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। उनकी कहानी आज भी सभी को प्रेरित करती है। सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नए रोमांचक कहानी के साथ। जय हिंद।